फूल अपनी कशिश तब खो देते हैं जब तुम्हारे हाथ का लमस मेरे अंदर खुशबू भर देता है। तन्हा रहना हर चीज से बेजार कर देता है, हत्ता के रिश्तों से भी। इंसान जो सोचता है, जो तखय्युल ज्यादा मजबूत होता है, वही ख्वाब की सूरत में उसके सामने आ जाता है। औरत को पाने के लिए उसकी कमजोरी को समझो। जवान औरत ऐशो आराम चाहती है, कम उम्र औरत मोहब्बत चाहती है, बड़ी उम्र की औरत इज्जत चाहती है। तन्हाई कभी भी बेहतरीन नहीं रही, ये आहिस्ता आहिस्ता खुशी की मौत है। खूबसूरती की तलाश में हम पूरी दुनिया का चक्कर लगा लें, लेकिन अगर वो हमारे अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगी। सबसे बहादुर तरीन इंसान वो है जो रजील कामों को करने से डरे। जब आप रोशनी में होते हैं तो हर चीज आपका पीछा करती है, लेकिन जैसे ही अंधेरे में दाखिल होते हैं आपका अपना साया भी साथ छोड़ देता है। शहवत वो आग है जो पूरी करने से कम नहीं होती है, इसको रोकने से कम किया जा सकता है। जब भी आप पानी की गहराई नापना चाहते हैं तो कभी भी दोनों पैरों का इस्तेमाल न करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको फरामोश न किया जाए तो कुछ लिखो जो पढ़ा जाए। अगर ये ना हो सके तो कोई ऐसा काम करो जो लिखा जाए। तुम्हारे वालदैन तुम्हें बचपन में शहजादों की तरह पालते हैं, लिहाजा तुम्हारा फर्ज बनता है कि उनके बुढ़ापे में उनको बादशाहों की तरह रखो। उन लोगों पर एतबार करो जो तुम्हारी तीन बातें भांप सकें: तुम्हारी हंसी में पोशीदा दर्द, तुम्हारे गुस्से में पोशीदा प्यार, तुम्हारी खामोशी में पोशीदा वजह। जब कोई चीज अपने वालदैन को दो तो इस तरह दो जिस तरह कोई गुलाम अपने आका के सामने कोई चीज पेश करता है। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगें तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मकाम देने वाला है। खजूर, अनार और बड़ी इलायची खाने से बूढ़ी औरत भी जवान हो जाती है। अगर तुम में से कोई जलता है तो बजाय गुस्सा होने के उनकी जलन की कदर करो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो तुम्हें खुद से बेहतर समझते हैं।